हेलो फ्रेंड्स, नरेश अहुजा एक बार फिर आपके साथ कर रही है बात। फ्रेंड्स, इस नए वर्ष में अगर अभी तक आपके सपने अधूरे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम नहीं करा, कोई अफर्मेशंस काम नहीं कर रही हैं, या आपका कहाँ आपसे गलती हो रही है, तो आज इसका रहस्य, इसका सच मैं आपको बताने जा रही हूँ, ताकि आप फिर जो अफर्मेशन ढंग से कर सकें और अपने सपनों को भी पूरा होते हुए देख सकें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि मालिक को कैसे वो करता है कि अगर वो जो भी आप घर में भी सब्जी उगा सकते हैं, कोई भी, जो भी, वैसे कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, कि जो भी आप बीज डालेंगे वही फलता है ना। तो इसका मतलब, इसका तो सीधा सा ये मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं तो वो हमारे डाले हुए बीज ही हैं। तो हम कहते हैं कि हमने तो बीज डाले ही नहीं हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो कैसे हम बीज डाल देते हैं हमें पता भी नहीं होता, तो उसके प्रति मैं आपको सावधान करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका मन है और जो आपका शरीर है, ये आपके सपने पूरे करने के लिए, इस संसार को एक्सटेंड करने के लिए ही आपको दिया गया है। लेकिन इसको चलाने वाली जो शक्ति है, जिसे आप चेतना कहते हैं, सुप्रीम पावर कहते हैं, आत्मा, परमात्मा, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सब कुछ कहते हैं आप उसे, है ना, तो वो शक्ति के कारण ही ये पूरा संसार चल रहा है और हम सब उसी शक्ति के द्वारा ही चल रहे हैं। लेकिन वो शक्ति तो इतनी न्यूट्रल है, इतनी न्यूट्रल है, उसने तो हमें इतने अवसर दिए हैं कि हम जो चाहें वो कर पाएं, लेकिन हम फिर भी इतनी शक्ति के होने के बावजूद भी जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, तो कहाँ गलती हो रही है? वो हमारी गलती जो हमारे मन के द्वारा हो रही है। आपने सुना है ना कि हमारा मन, मन कॉन्शियस भी है, मन अनकॉन्शियस भी है और मन सबकॉन्शियस भी है। अब आप कहेंगे ये तो सारी बातें सुनी सुनाई हैं, लेकिन चाहे आपने जितनी भी बातें सुन ली हैं, लेकिन आज जो एक बात आपने पकड़ ली, समझ ली, तो आपकी सारी दुविधा दूर होने वाली है। तो कैसे कि देखिए, जब आप कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस थिंकिंग में होते हैं, आपका मन जो दिन में काम करता है, तो आप सोच विचार करते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हम सोच रहे हैं हमें क्या करना है, यानी आप चुनाव कर रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ठीक है, आप सोच रहे हैं और किसी चीज़ को आप लगातार सोचते जा रहे हैं, तो वो सोच जब गहरी हो जाती है, आपके अंदर ही चली जाती है, यानी दिन रात ही आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, या मुझे ये चाहिए, या कुछ भी, किसी भी तरह की आपकी सोच जब पक्की हो जाती है, दैट मीन्स वो आपकी फीलिंग बन जाती है। मान लो आपने अपने आप को मान लिया कि मैं तो सक्षम ही नहीं हूँ, मैं तो पावरलेस हूँ, मेरे बस का ही नहीं है ये काम करना, मैं तो कर ही नहीं सकता। अगर आपका रोज का यही थॉट प्रोसेस है, यानी आप इसी थॉट प्रोसेस से अपने आप को फीड कर रहे हैं, तो फिर कभी भी जो आप उससे अलग चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अब होगा क्या, जो आपका मन कहेगा, चाहे वो पॉजिटिव कहेगा चाहे वो नेगेटिव कहेगा, ये आपको देखना है। तो क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी को रिसीव कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। जो आप सोच रहे हैं, समझ लीजिए आप उस पर एक धरती है, उसमें आप बीज डाल रहे हैं। अब वो बीज जैसे होंगे वैसे ही उगने वाले हैं, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, वो बिल्कुल पैसिव है, वो एक्टिव नहीं होता। आपका जो माइंड है वो एक्टिव होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो इनएक्टिव होता है, यानी उसको कई लोग कहते हैं ये हमारा नौकर है, कोई लोग उसको प्रेमी कहते हैं, आप किसी कोई आज्ञाकारी मित्र भी कहते हैं, क्यों? वो इसलिए कि जो भी हम उसको विचार देते हैं अपने, और विचार कौन से वाले, और जो हम गहराई से उसको फीलिंग्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जब वो विचार हमारे फीलिंग्स बन जाते हैं, तो क्या होता है, वो उसके प्रिंट बन जाते हैं, इम्प्रेशंस वो किस पे पड़ जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर। तो अभी रात के टाइम क्या होता है, यानी जब आपका कॉन्शियस माइंड थक जाता है, आप सोते हैं या सोने के करीब जा रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय सबकॉन्शियस माइंड जो आपने दिन भर में जो जो महसूस किया, जो जो फील किया, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ, या अच्छा बुरा जिसको भी कहा, जैसे भी आपने दिन बिताया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तो क्या मान लिया कि मेरे मालिक को तो यही पसंद है ना, तो मैं जो इसको पसंद है तो मैं वही कर देता हूँ। अब आप जब सुबह उठे तो फिर वही धारा चल रही है, क्योंकि आपके मन पसंद तो देखा जाए आपको वो पसंद तो नहीं था, लेकिन आपकी आदत बन चुकी है वैसा सोचने की, आपने अपने आप को पावरलेस मान लिया है, आप समझते हो कि बस जैसे मर्जी सोचते जा रहे हो,
या तो कोई आपको कमजोर कर रहा है कि आप कर नहीं सकते हो, या आप खुद ही कमजोर हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो किसी भी तरीके से आपने अपने अपने आप को पावरलेस करके ऐसे थॉट क्रिएट कर दिए हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड पर प्रिंट हो गए हैं। अब जब उस पर प्रिंट हो गए हैं तो उसने तो वही उसकी मैनिफेस्टेशन कर ही देनी है, उसने वही इमेजिन करके सरकमस्टांसेस क्रिएट करके सारी मैनिफेस्टेशन कर देनी है। तो बहुत ज़रूरत है इस समय सावधान होने की कि हम क्या कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को कभी भी एरा वगैरह चीज़ मत समझना, क्योंकि वो आपका सारा वो है ना कि आपकी वो सब कुछ, आपका जो भी विचार आएंगे उनको सारे के सारे विचारों की फैक्ट्री को वो सारा उसको प्रैक्टिकली उसको कन्वर्ट करने जा रहा है, आपके सपने जिसे कहते हैं ना पूरे करने जा रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जितने भी थॉट्स हैं वो बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही होने चाहिए। अगर अदरवाइज होंगे, जो आप नहीं चाहते हो, तो वो थॉट से आपको दूर रहना पड़ेगा, वो सुनने भी नहीं है, वो अपने दिल में लाने भी नहीं है। आपने अपनी धरती को बिल्कुल साफ करके जो चाहते हो उसमें वही थॉट डालने हैं ताकि मैनिफेस्टेशन में वही जा सके। और ये किसी के द्वारा नहीं होगा कि सोचो आपका कार्य कोई और कर देगा। आपका मन है, आपकी सोच है, आपकी जो फीलिंग्स होंगी उसी रूप में आपकी मैनिफेस्टेशन होने जा रही है। तो आप ही इसके जिम्मेदार हैं, आप ही सारे क्रिएटर भी इसलिए कहे जाते हैं कि सब आपके हाथ में है। ये बिल्कुल 100% सत्य है और इस सत्य को अनुभव करना है तो आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा और सबकॉन्शियस के पास जब जाना है। तो मान लो आपने दिन में गलत विचार दे दिए, नेगेटिव विचार दे दिए, लेकिन रात को तो वो वही उसको प्रोसेस कर देगा। लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने से पहले अगर आपने उससे आपको महसूस देखो कि मैंने सुबह क्या विचार किए हैं, मैं क्या फील करता हूँ रोज, है ना, मेरा दुख कहाँ से आ रहा है, कौन से विचारों से आ रहा है, तो उन विचारों को आपने उससे कन्वर्ट करना है, उनको किस में चेंज करना है, आपने उनको पॉजिटिव थिंकिंग में, जो आप चाहते हो कि मैं कल खुशी चाहता हूँ तो उसको अनुभव करना है, कल तो मैं खुश ही रहूंगा, मैं तो खुशी ही हूं, ठीक है। और अपना दुख वुख का कोई विचार किस कारण से हुआ, नहीं जी ऐसे ठीक होगा तब मैं सुखी होऊंगा, ऐसे अगर आप विचार रखेंगे तो कभी भी आप खुशी नहीं देख पाएंगे। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैसे ही फील करना होगा, क्योंकि फीलिंग ही एसेंस है। जो भी आप फील करेंगे उसने प्रिंट हो जाना है और उसी ने ही मैनिफेस्ट होना है। तो आज के बाद मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सोच समझ कर विचार करें और विचारों को फीलिंग्स में कन्वर्ट तभी करें जब आपको उनकी ज़रूरत हो। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को फील करें, उसी को महसूस करें, और अगर सुबह गलती हो भी गई तो रात को सोने से पहले जब हम थोड़ा हमारा दिमाग जो है जो तर्क वितर्क करता है जब वो थोड़ा सोने की तरफ जाए तो उस समय उसको कॉन्शियसली हम सबकॉन्शियस को मैसेज भी दे सकते हैं। जो अफर्मेशंस आपने देनी हो आप उस समय दें, तो उस समय आपकी जो सारी बात है सबकॉन्शियस तो आपका हर बात मानने के लिए तैयार बैठा है, बस आपको अपनी तैयारी करनी है कि जो उसको देना है उसको वही दें ताकि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स इसी भावना के साथ कि आप अपनी भावनाओं को देखेंगे कि वो कहाँ जा रही हैं, उनको दिशा देंगे और जो चाहिए जिस तरफ जाना है उस तरफ ही उनको जाने देंगे, थोड़ा उनका ध्यान रखेंगे, तो फिर तो आप अपना ध्यान खुद ही रखने के काबिल हैं। जैसे आप चाहेंगे वैसे आपका जीवन हो जाएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।